आचार्य जी ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आचार्य आशुतोष पांडे फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। इन द लास्ट वीडियो मीन्स वीडियो नंबर 3 आई टॉट यू अप टू दिस लाइन विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। द हैप्पी प्रिंस वॉज मेड अप ऑफ लीफ आफ्टर लीफ ऑफ गोल्ड एंड द प्रिंस रिक्वेस्टेड टू द स्वेलो प्लीज पिक्ड ऑफ लीफ आफ्टर लीफ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दीज लीव्स अमंग द पुअर। आफ्टर पिक्ड ऑफ ईच एंड एवरी लीफ फ्रॉम हिज बॉडी ही लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तो डल और ग्रे दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उस स्वेलो ने उस सारे लीफ को गरीबों में बांट दिया। एंड अ चिल्ड्रेंस फेसेस ग्रू रोजियर, जो बच्चों का चेहरा था वो गुलाब की तरह लाल हो गया। एंड दे लाफ्ड, वे हंसे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और सड़क पे खेले। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और सभी मिल के चिल्ला रहे थे कि अब हमें भोजन मिलेगा। देन द स्नो केम, अब स्नो आने वाला था उस शहर में, आ गया। एंड आफ्टर द स्नो केम फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद फिर फ्रॉस्ट आया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ देयर दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, चारों तरफ स्नोफॉल स्नोफॉल, सड़कें ऐसी दिख रही थी मानो सिल्वर बिछा दी गई हो, चांदी बिछा दी गई हो हर सड़क के ऊपर, और सड़कें मानो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड लिटिल बॉयज वेयर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, हर लोगों ने वूलन क्लोथ्स पहने जिसमें फर लगे थे। छोटे छोटे बच्चों ने स्कारलेट कैप्स पहना, मीन्स रेड कलर का कैप, एंड स्केटेड ऑन द आइस। स्केटिंग इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज डन ऑन द सोइल एंड आइस ऑल्सो, जो आप आइस पे भी कर सकते हैं उसको आइस स्केटिंग कहते हैं। इसके शूज में ना पहिए लगे होते हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, स्नोफॉल की वजह से स्वेलो को बहुत ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन फिर भी उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, प्रिंस भी उसे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, खाने खाने के लिए जो स्वेलो था वो एक बेकर्स की डोर पे जाता था, एक केक बनाने वाले के डोर पे, और जब वो बेकर इधर उधर देखता, इधर कहीं दूसरी तरफ बिजी होता, तो स्वेलो उसमें से एक टुकड़ा निकाल लेता था। अपने आप को गर्म रखने के लिए ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता था। बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन वह जानता था अंत में कि उसकी मृत्यु होनी तय है, वह मर रहा है। ही हैज जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब बस इतनी ही ताकत बची थी कि एक बार वह उड़कर प्रिंस के कंधों तक जा सकता था। वंस मोर, सिर्फ एक बार वह उड़ा, प्रिंस के कंधे के पास गया और कहा, गुड बाय डियर प्रिंस, बाय बाय, मर्मर्ड में सोता है बुदबुदाना। सो विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हैंड पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, प्रिंस को लगा कि ये इजिप्ट जा रहा है, इसलिए प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि चलो तुम अंत में इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम यहाँ बहुत दिन तक रुके,
So I will allow you to kiss me on my lips, not on my hands, because I love you. It is not Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Swallow replied to the prince, I'm not going to Egypt, sir. I am going to the house of death. मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep, is he not? क्या death जो है वो sleep का भाई नहीं है? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. After kissing the lips of happy prince, the swallow fell down and he was died there. As soon as the swallow died, at that same moment a curious crack sounded inside the statue. Statue के अंदर से किसी चीज की टूटने की आवाज आई. As must mano, if something had broken, kuch toot gaya. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. Aur vastav mein jo leaden heart tha happy prince ka, wo do tukde mein bat chuka tha. It certainly was a dreadfully hard frost. Nishchit taur pe ye show karta hai ki wahan thand bahut joron ki pad rahi thi. It was dreadfully hard frost. अगले दिन सुबह the mayor was walking in the square below in a company with the town councillor. As they passed the column he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. उसे शहर का मेयर घूमने के लिए निकला अपने councillors के साथ, और जैसे ही वो वहाँ से गुजरा उस कॉलम से उसने देखा ऊपर तो कहा, डियर मी, ओ गॉड, मेरे दोस्त देखो तो जरा, हाउ शैबी हैप्पी प्रिंस लुक्स. अब ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिखता है. हाउ शैबी इंडीड, टाउन काउंसिलर्स ने भी कहा कि हाँ वास्तव में बहुत भद्दा दिख रहा. हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. ये टाउन काउंसिलर्स मेयर्स की बात से हमेशा एग्री रहते थे, सहमत रहते थे. वे लोग ऊपर गए देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है. दे वेंट अप टू लुक एट इट. द रूबी हैज फ्लेन आउट ऑफ इट शॉट, उसके तलवार से रूबी निकल चुके थे, आंखें नहीं थी, एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो गोल्डन भी नहीं था. मेयर ने कहा, इनफैक्ट वास्तव में ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अगर सच पूछा जाए तो एक भिखारी से थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा था. लिटिल बेटर देन अ बेगर, से द टाउन्स काउंसिलर्स. टाउन काउंसिलर्स ने भी यही कहा, लिटिल बेटर देन अ बेगर. एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखिए तो यहाँ एक मरी हुई चिड़िया भी है उसके पैरों के पास. कंटिन्यूड द मेयर. मेयर ने कहा, वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमिनेशन, हमें एक घोषणा करनी चाहिए, दैट द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, चिड़ियों को यहाँ अलाउड नहीं है मरना. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो भी मेयर ने सजेशन दिया टाउन क्लर्क ने उसको नोट कर लिया. मेक a note of the suggestion. Chuki happy prince shabby nazar aa raha tha, so they pulled down the statue of the happy prince. Un logon ne happy prince ke statue ko niche utar diya. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. एक यूनिवर्सिटी के आर्ट के प्रोफेसर ने कहा कि चूंकि यह सुंदर नहीं दिख रहा है इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है अब. ही इज़ नो यूजफुल नाउ. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस,
उन लोगों ने स्टैचू को एक फर्नेस में जला दिया, सॉरी पिघला दिया, मेल्ट में पिघलाना। फर्नेस बोलते हैं आग की भट्टी को। जैसे आप देखते होंगे ईटा बनाया जाता है तो वहाँ पे भी वो बड़ा सा चिमनी लगाया जाता है, चारों तरफ से आग लगा दी जाती है। और जैसे ही उस स्टैचू को फर्नेस में मेल्ट किया गया, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी घटना घटी। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस फर्नेस में काम कर रहे हैं वर्कमैन के ओवरसीयर ने अपने वर्कमैन से कहा, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। इतनी तेज आग में, इतने हाई टेम्परेचर में स्टैचू का हार्ट मेल्ट नहीं हुआ जो कि लीड का बना है। वी मस्ट थ्रो इट, इसलिए हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, उन्होंने उस हार्ट को यानी प्रिंस के हार्ट को एक कचरे के ढेर पे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, उसी कचरे के ढेर पर वो पक्षी स्वेलो भी था। उन लोगों ने उस स्वेलो को उसी कचरे के ढेर पे फेंक दिया था। और जब प्रिंस को के स्टैचू को पिघलाने के बाद उनका हार्ट नहीं मेल्ट किया, तब उन लोगों ने उस हार्ट को भी उसी कचरे पे फेंक दिया। ऊपर ये सारी घटनाएं भगवान देख रहे थे। सो ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेसियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। इसलिए भगवान ने अपने दूतों में से एक दूत को कहा कि जाओ उस पृथ्वी पर और वो दो बहुमूल्य चीज़ें, प्रेसस बहुमूल्य, वो दो बहुमूल्य चीज़ें लेकर आओ। एंड एंजल ब्रॉट हिम, और एंजल वो दो बहुमूल्य चीज़ें लेकर आया, एक लीडन हार्ट, उस प्रिंस का हार्ट, एंड दूसरा द डेड बर्ड, वो चिड़िया। गॉड ने जब देखा कि वो दो चीज़ें ही लेकर आया है एंजल, तो गॉड ने अपने एंजल से कहा कि यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुना है, उस पृथ्वी पर दो ही चीज़ें बहुमूल्य थीं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के इस गार्डन में, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, यह नन्ही सी चिड़िया हमेशा गाना गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस सुनहरे शहर में, मेरा जो शहर है सोने का बना हुआ, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, यह हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। सो दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉड हु वॉज वॉचिंग एवरी थिंग फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज सिटी ऑफ गोल्ड, एंड ही टोल्ड हिज एंजल्स टू ब्रिंक टू प्रेसस थिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ, एंड एंजल्स एंजल had chosen right the two things of the earth which were precious. The one is the little heart and the second is the little bird swallow. Hope, bhaiya and behan, you would understand this lesson. Still, if you have any kind of problem, there is a doubt class, you can ask me if you feel any kind of problem. Then thank you very much. We shall discuss the question answer in the next video or on online classes. Thank you.